परसों पर है देखो। ये हमारे अवरोध के लिए ये जगह दरगाह की है या निजी जाति है ये तुम्हारी जाति है? हमारी दरगाह की नहीं, दरगाह की तो इसमें पूरी है, मालकी जगह है, मालकी जगह, मालकी जगह है, उसके पूरे दस्तावेज पेपर है, सब पूरे है जी, वो दिखलाने उनको तो दिखलाने तो नहीं था खुद गुंडगिरी मरने का कर जमात के लोग। और एक बात बोले हमारे घर में जिसको जलाते मारते हैं। तुम्हारे पर इल्जाम है और गांव वाले भी तुम्हारे साथ नहीं है और वो सुरेखा सुतार भी जो है उनको तुम्हें मारे, तो ये क्या मामला है बताओ, तुम्हें बताओ। सर हमें दरगाह की कट्टी पे बैठे से सच बात कर रहे हैं। सुरेखा सुतार को हमें देखे भी नहीं, वो आए थे बोलते हैं, लेकिन हम तो इतना औरत है नहीं, देखे नहीं उनको, कौन भी देखे नहीं। अगर उन्हें पीछे अचेंगे तो भी किसका हाथ लग को वो गिरे मालूम नहीं हमारे को, ये झूठा इल्जाम हमारे को उन्होंने लगा रहा। अच्छा मामला किस वास्ते झगड़ा हुआ? तलवार से मारे कर को हमें जख्मी को भी देखे हाँ। तो वो मारे सो सच है तो क्यों मारे? तलवार बिना अभी तक सच नहीं, ये वली अल्लाह की जगह पर बैठे बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। शरीफ पकड़ वह तो हमारी बड़ी चीज भी पकड़ सकते हैं, तुम्हें मुस्लिम के है तो बोल अभी भी लाके पकड़ सकते हैं हमें। ने बोलो क्या मामला क्या है, झगड़ा क्या है? जो घर बंद रहे नहीं भाई साहब ने, वो घर के वजह से वो जमात ले आके हमारे को तकरार कर खुद की हमारी जमात बनाना, ये दरगाह के अस्तर गली बनाने के अस्तर बन रहे सर, इसे वो ऐसा हमें घर ही बन रहे कर को ऐसा एकदम लगा हमारी जगह उनकी कर कर हमें। और हमारे आदमी लोग क्या बोले, जमात के लोग आए थे, पंचायत के लोग आए थे, सो उनको क्या बोले, तुम्हें कुछ भी बोलने का चंगा नहीं, कानून से आओ, स्टाइल लेके आओ, कोर्ट से आओ, तुम्हें आज का आज काम बंद करते हैं। अगर कुछ भी तुम्हारे तरफ क्लियर है या नहीं तुम्हारे कागज पत्र में, तो हमें अभी कभी छोड़ देते हैं। उन्होंने दस्तावेज है बोल रहे हैं तो उनके पास कानून कागजी दस्तावेज है हमारे पास और ये जबरन तुम्हें मकान तामीर कर रहे बोल रहे थे उन्होंने, वो जो बता रहे थे बता रहे थे। हमारे तो मास्टर प्लान में तो अभी पड़े हैं पुलिस स्टेशन में, इसमें कोर्ट में ये चलो है, कोर्ट में अभी केस भी चलो है ऑलरेडी, एक केस भी पड़ी ले है और आज तारीख भी है, उनको कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर बोले तो भी वो स्टे ऑर्डर नहीं लेकर रहे, हमारे उतारे ही दिखला रहे हैं। वो पीर सैयद जमाल गरीब शाह, गरीब शाह यानी कि पीर सैयद जमाल दरगाह का नाम है और हमारे दादा का नाम क्या है, गरीब शाह, उनके मुजावर, हमें मुजावरा कहते हैं, छह जने मुजावरा सर, ये उनकी औरत है, ये उम्र से हमारे दरगाह का हमारा चालू है, तो ये अभी नया नया पहले से कई जमाना गया जमाने से है सर। ने हमला कौन करे और की करे उनके ऊपर? जमात वाले आके करौली के जमात वाले आके हमला करे उनके ऊपर, बात कर रहे थे पंचायत के साथ, हमें पीडीओ के साथ अध्यक्ष भाई के साथ हम बात कर रहे थे, ठिरके थे, मेरा नरडा दबाया है सभी ने पहले, वो जो अभी वो तलवार से मारा है टाके पड़ा है बोला है ना, वही मेरा नरडा दबाया है, फारूक मजीद तहसीलदार, आठ जने पाँच छह जने आए सर इधर, 100-150 को क्या मारने वाले हैं? नहीं पुलिस आते घर को हमें जान बचा लिए है, नहीं तो पुलिस आचे बिचारे है उन्हें जान बचा लिए, पुलिस हमारे हमारे बच्चों को पुलिस मदद करी हमारी, लेकिन कौन गांव का आदमी हमारा नहीं मदद कर सके, ना हिंदू ना मुस्लिम ना कौन पंचायत के मेंबर भी कोई नहीं है, साथ हमारे बच्चे आदमी मिला था पंचायत के मेंबर, पंचायत के लोग तुम्हारे साथ की नहीं है क्या मालूम, क्या मालूम उनकी क्या भी साथ है, पंचायत के क्या बोल के परमिशन लेटर में जा रहे हैं, परमिशन लेटर में एक तरफ है ना, पूरी जमात एक तरफ है, वीडियो पास गए खानदान 21 है, वीडियो पास गए, अध्यक्ष पास गए, वो जाने में से आ जाओ बोलते थे, आज जाने में से दो दिन से आओ, ये दो दिन से जाने में से भी चार दिन से आओ, ऐसा धकलते गए। और लास्ट में क्या बोले, तुम्हें घर चालू करो बनने का, लास्ट में मैं यहाँ वो टाइम को बोल के महादेव सौकर्य बोले सो है पंचायत में के क्या एक लेटर लिख को तो भी दो, अगर की नहीं दे रहे बोल को वो तो भी लिख को दो, बोले तो वो भी नहीं लिख को दे उन्होंने, हाँ किस वजह से तुम्हें नहीं दे रही, हाँ तो बोल को लिख को दो या ना तो बोल को लिख को दो, वो भी नहीं लिख को दे उन्होंने, सबको अपना नजर दबा दबा के मार मार को चल रहे थे,
इधर इनको टाके पड़े, उधर वो बच्चे को मारे, हमें खाली 8-10 जने, उन्होंने 200 लोग आते, बच्चे 4 आदमी आदमी सब लोग थे और ये एमएलसी कराई तुम्हें? हां एमएलसी नहीं है जी, गाड़ी में भर ले कुछ गए पुलिस के सारे में, इधर काटती कुछ ले गए एमएलसी करे सर, एमएलसी करे जो पर्दे भी फाड़े। अच्छा ये हमारे ये घर यहाँ भी आता है, ये घर टूटा होगा, मैं घर बन, ये घर हमारे बहुत साल पुराना घर है, हमारे बाप दादा के उनके जमाने से घर है, ऐसा घर इधर भी था, वो घर टूटा हुआ, अगर मास्टर प्लानिंग में टूटे के बाद में हमें घर बनने शुरुआत करे सर, तभी हमारे साथ में तकरार कर रहे हो ना, भाई को मारने को बियर की बाटल औरतों को मारने के लिए। कल मेरे शोहर को शिवल के पास माँ को जब दिखाने के लिए लेके गए थे, माँ को दिखाने को हाथ पकड़ को लेके जा रहे, उनको 4 जने लेके हुए करे सर, कौन ताशिन मस्जिदार दौलत है और उसमें 3-4 और लोग हैं, पूरे जमात के लोगों चुन के आंखे पर एकदम जाको मारे सर, फारूक वगैरह सभी चुन गए, जो मजे तो उनके नामा नहीं मालूम है, लेकिन मेरे शोहर को मैं जितना मजे शोहर के ने हमारे पूरे वॉइस के प्रोटेक्शन होना है, हमना पूरे फैमिली के लिए, पूरे फैमिली के लिए प्रोटेक्शन होना है। पुलिस में बात बोले क्या नहीं पूरी है? मैं सब एपीएमसी में ये बात बोली, मैं मजे मेरे पूरे फैमिली को प्रोटेक्शन होना है, हमने तकलीफ हमने टेंशन हमने बहुत डर है, अभी हमारे कौन घर से बाहर नहीं जा रहा, अगर हमें घर से बाहर नहीं जाएंगे तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? अरे जी जब इनको अगर हमारा जायदगा होना प्रॉपर्टी होना जब सब होना है तो स्टे ऑर्डर लेकर आंदे तो कोर्ट से आंदे, जब हमारा कोर्ट में केस चला तो कोर्ट से आंदे, जो भी प्रूफ है ना हम दिखा दे कोर्ट के सामने, दिखा दे जो भी प्रूफ है दिखाने, अगर उनके तरफ अगर कुछ भी रहेगा नहीं हमें छोड़ को जाते हैं, अगर जमात का उल्लेख रहा तो हमारे तक गाने का नहीं, जमात का उल्लेख रहा तो कौन सा जमात रहने, वो जमात सी बात बोल रही मैं, कौन सी बड़ी जमात है वो जमात आंदे हमने, वो क्या आगे पीछे नहीं, फिर भी क्या है कार्तिक की पुलिस हमने जरा सपोर्ट करी, सपोर्ट करी है, कल को हमारे आदमी तो हमारे आदमी कौन से बचते, मेरा बड़ा जेट भी यहाँ खलासूच होता था, हाथ लगाते हैं दो जनी मिलकर सर, दो तरफ से हाथ लगाए तो सामने वाला मारने कुटेगा क्या नहीं उठेगा सर, ये बात को तुम्हें कितना हमें उनके मार खाने का कैसा होता सर, उन्हों हमारे घर तक हमें नहीं गए, मुसलमान मुसलमान गली वाले आप हमारे साथ में तंडा करें, कल शिवल के पास में मेरे साथ भी तंडा करें, जब मैं मेरे शोर को मारे आवाज उठाने में मेरे साथ उनके बैठा भी तंडा करें, वो साजिदा कौन भगवान का दरबार, साजिदा भगवान और 4-5 बुढ़िया व्यक्ति हैं उनके साथ में, उन्होंने मुझे गंदे गंदे गालियां देकर बात करें, स्कूल को जाते वक्त हमने फतरे मारते और हमें पीछे मुड़कर देखे नहीं भी स्लैब के पीछे छुपते ही और साल में गंदे गंदे गाले देते होते। मी कडोली ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत हद्दीविषयी जागे विषयी झालेल्या प्रकरणाविषयी बोलते, दोन्ही पार्ट्या ग्राम पंचायतकडे समस्या घेऊन आल्या होत्या, पण तुमच्या जागेविषयी तक्रार आहे आणि बांधकाम जे काम थोडे थांबवा असे सांगितले होते, पण आता हे प्रकरण पोलीस स्थानक गेलेले असून कायदेशीर काय निकाल येईल त्यावर आम्ही निर्णय घेऊ।